मैं हूं विनीत खरे, फेसबुक लाइव में आपका स्वागत है। इस वक्त हम हैं वाराणसी, जहां पर कल एक हादसे में बताया जा रहा है कि 16 से 18 लोगों की मौत हुई। हालांकि जो स्थानीय लोग हैं वो मृतकों की संख्या ज़्यादा बता रहे हैं। बहरहाल पहले हम बता दें कि क्या हुआ है और क्या फिर बताया जा रहा है। ये फ्लाईओवर बन रहा था और कहा जा रहा है कि दो बीम्स जो होती हैं वो एक बीम एक तरफ गिरी है और दूसरी बीम दूसरी तरफ गिरी है। पहले हम बता दें इस वक्त जो बचाव कार्य यहाँ पर चल रहा है, हमारे साथ कैमरा पर्सन डेवलिन है। जैसा कि आप देख रहे हैं क्रेन है, यहाँ पर काफ़ी भीड़ है और पुलिस भी काफ़ी लगी हुई है बड़ी तादाद में। इस वक्त बचाव कार्य चल रहा है, पुलिस की बड़ी तादाद है, अधिकारी यहाँ पर आए हैं देखने की एग्जैक्टली क्या हाल है, किस तरह से ये हादसा हुआ है। दूर अगर आप देख पाएँ, डेवलिन अगर आप दिखा पाएँ, देखिए वहाँ पर क्रेन्स लाई गई हैं लोगों को बचाने के लिए, मीडिया के लोग हैं, स्थानीय लोग हैं। आइए बात करते हैं कुछ लोगों से जो इस वक्त थे या फिर जो इस घटना के बाद यहाँ पर आए हैं। हमारे साथ सलीम हैं, सलीम भाई एक सेकेंड, हमारे साथ सलीम हैं जो आप वहाँ थे जब हुआ है घटना। हाँ, घटना हुआ तो हम लोग जैसे आवाज़ सुने तो हम लोग तुरंत, मेरे लड़के जो है ये 6-7 लड़के थे, तो तुरंत मैच खेल के हम लोग तुरंत भागा गया। कब की घटना है, कितनी बजे? ये हम लोग हुई थी, समझ लीजिए 5:35 में से हुई थी घटना। तो हम लोग 5:30 बजे तक पहुंच गए, हम लोग तुरंत जस्ट पहुंचे हम लोग। कैसे पता चला कि कुछ ऐसा हुआ? अरे घटना हम लोग जो हल्ला हो जाता है कॉलोनी में, जितना आती होती है तो हम लोग तुरंत कॉलोनी पता चल जाता है क्या होने वाला हो जाता है। जब यहाँ पर आए तो क्या देखा? हम लोग देखा तो आदमी सब दबे थे, गाड़ियां दबी थी, उसमें देखने पब्लिक कोई नहीं था, आदमी पुलिस तक नहीं प्रशासन था उस समय। उसमें हम पूरे लड़के लग के राड उठाएगा तो हम लोग कोशिश किए तो राड फाड़ने के लिए, उसको जो गेट तोड़ने के लिए हम लोग कोशिश किए तो उसमें समझो से निकाल दें, वो भी नहीं निकल पा रहा था हम लोग हाथ से। तो कितना हम लोग ताकत है नहीं, शक्तिमान तो है नहीं हम लोग, तो उठा दें उसको। तो एक लड़को की बाइक नहीं, गाड़ी कोई खरीद के लाया था बेचारा, आया था पूजा पाठ करके, तो उसकी दबाई थी तो एक पैर उसका दबा था और एक मिनट का गर्दन दबा था उसको। हम लोग हौसला दे रहे थे, हम लोग हैं साथ में, हौसला इतना था हम लोग दे रहे थे उसको हौसला, हम लोग हैं साथ में, आपको बचाएंगे हम लोग। भले उसमें और कोई पब्लिक आया था, पब्लिक रिकॉर्डिंग करने में लगी थी और कोई हम लोग का साथ नहीं दे रहा था। लोग जो आए थे वो रिकॉर्डिंग कर रहे थे, रिकॉर्डिंग कर रहे थे, बोल रहे थे आगे हेल्प करो, कोई हेल्प नहीं किया था हम लोग को। लड़के मेरे पूरा टोटल में हम लोग लगे, पूरा लड़के लगे थे हम लोग बचाने में उसको, पूरे लेके औरत आए करी बाबू, हम उसके अंदर गए तो औरत के, हम औरत के देखे, औरत के छुए कब साथ चल रहा था, तो वो कह रही थी कल मेरे बच्चे को बचा दो, तो बच्चे को हम लोग नहीं बचा पाए, बच्चे को छुए हम लोग तो उसका साथ चल रहा था, हम लोग सोचे उठ जाएगा तो बच्चा बच जाएगा, तो उस कारण तो बच्चा भी नहीं बच पाया ना औरत बच पाई, उसके लिए हम लोग सॉरी भाई, तो उसके लिए हम खुद रो दिए, उसके लिए हम प्रशासन से लड़ने के लिए तैयार हो गए थे, क्योंकि हम कही बताइए बच्चा मर गया कौन देगा दिन बार। सब तो आगे 5 मिनट के नेता सब आए, 62-14 2 मिनट के चल दिए आपसे, भाषा पे से वो आए, 2 मिनट के लिए आए, सब देख के चल गए, और जो मरा था उसका कोई देखने वाला नहीं था, जो परिवार से उसका घट रहा होगा उसको पूछ के आज बता दें, कोई दे रहा 10-20 लाख देगा ना तो उसको पूछ ले, हम लोग दे देंगे, तैयार हैं उसको हम लोग जान वापस करके दिखाते हैं, 10 लाख दे देंगे, तैयार है, हम खुद अकेले बोले तैयार है, मेरी पूरी पब्लिक देगी पैसा उस सरकार को, पूरी बनारस हम लोग की देगी पैसा। कितने लोग करीब दबे हुए थे उस वक्त जब आपने देखा? करीब हम लोग देखे तो 40-50 था, तो हम लोग सामने निकाला गया तो हम लोग टीम आई पूरी, तो स्काउट के भी लड़कों को हम लोग फोन किया, रेलवे हम लोग जो स्टाफ के हैं तो रेलवे को अपने अपने टीम को बुलाया गया, तो वो सब आए लड़के तो वो सब भी उठाए हम लोग ट्वीट किए थे, तब उसमें थे RPF सब के, तो उसको भी आया तब तो लेकर चले गए हम लोग, पूरा निकाल के एम्बुलेंस में डाले, एम्बुलेंस लगा के हम लोग, मेरा चप्पल तक घिस गया टूट गया, तब मेरा कांटा तक धंसा है अभी तक, पूरा लेके हम लोग निकाले उठाए हुए हैं, तो वो एम्बुलेंस में बैठ के गाड़ी भेज रहते हैं, तो एक एक एम्बुलेंस में 4-4, 5-5 तो भेज रहते हैं हम लोग, अब बस वाला भी वहाँ से निकल जाता है और टेम्पू वाला इधर से निकलवा रहे थे सब, उसके लिए तो हम लोग अपने कोशिश किए थे। सलीम करीब कितने लोग, जैसे कितने लोग दबे हुए थे, कुछ आइडिया है? मतलब एक तो मेरे तो मान 40-50, क्योंकि जो संख्या बता रहे हैं जो रिपोर्टों में कहा जाए करीब 16 से 18 लोगों की मौत की बात कही जा रही है। नहीं ये कम है, आप कोई ईमानदारी से मैं बता सकता हूँ, 19 से 4-5 मिला बचे हैं और सब मरे, सब मरे हुए, एक यहाँ की दिक्कत है, यहाँ रोड हमेशा जाम रहता है, कोई छुपाया जाता है एकदम पूरा कांट से लेके रोडवेज से लेके यहाँ तक। तो एक चीज थोड़ा मुझे बताइए, ये जो ये फ्लाईओवर बन रहा है ये कहाँ से कहाँ तक बन रहा है, और कोई मुझे बता रहा था जब मैं यहाँ पर आ रहा था ये कई सालों से बन रहा है, ये समाजवादी पार्टी के सरकार के सरकार से बना रहा है, थोड़ा सा एक बार जगह देंगे कहाँ
जो लोग हमें फेसबुक लाइव पर देख रहे हैं, थोड़ा बता दें, एक थोड़ा सा अगर आप बता दें, चौका घाट से लेकर लातारा तक बन रहा है, तक है सब लोग JLW के कोने तक है। नहीं नहीं नहीं, ये पांच नंबर, पांच नंबर कैंसर हॉस्पिटल से, कैंसर हॉस्पिटल से ये चौका घाट चौराहा डाक के आगे जो है जा रहा है। तो ये करीब कितना बड़ा, कितना लंबा होगा? ये करीब 1.5 किलोमीटर लंबा ब्रिज है। 1.5 किलोमीटर, 1.5 किलोमीटर है। और कितने देर से, कितने दिनों से, कितने महीनों से बन रहा है? 2015 से पुल पास है, तब से बन रहा है, 3 साल से हो गया। सरकारें बदलती रहती हैं, पुल जो वैसा के वैसा ही है। तो एक चीज बताइए, ये जो बीम है डेबलन, अगर आप दिखा पाए तो ये वाला बीम गिरा है, ये जो ये कॉर्नर में दो बीम दिख रहा है सर, पड़े हैं सर जमीन पे। एक जो इधर सबसे लेफ्ट वाला बीम है और दूसरा राइट वाला बीम गिरा है। पहले लेफ्ट वाला गिरा था, अच्छा, तो लेफ्ट गिरा, उसके बाद तो वो हुआ गिरा था, तो वो लेफ्ट वाला अंदर गिरा, उसके बाद देख के तो उस पे गिर गया उस पर। अच्छा, ये भाग मना, ये लड़के सब स्कूली, बस स्कूल का छुट्टी हो गया था, नहीं तो उस समय बस 5 बजे तक बच्चों का स्कूल का आने का समय हो जाता था, बस आने, तो उस समय बच्चे नहीं मरे। और ज्यादा जो मरता, बच्चा मरता, तो हम लोग क्या करते, हम लोग पब्लिक हम खुद नहीं जानते। जो दबने वाले लोग थे सलीम, उसमें मतलब कुछ मैंने कहीं रिपोर्टों में पढ़ा है कि मजदूर भी थे, मजदूर भी थे, और ऐसा भी है मजदूर भी थे? मजदूर तो नहीं दिखा है, मजदूर नहीं थे, मजदूर नहीं थे, सब गाड़ी वाले दबे थे जो आ जा रहे थे नीचे से, वो जो बस बस वही दबे, आते जाते रहते हैं वही लोग थे उसी में। उसमें बाहर के लोग, बिहार के लोग भी थे। एक सेकंड, तो कौन लोग थे? बिहार के लोग भी आए थे, बिहार के, जौनपुर के थे, जौनपुर गाजीपुर, और कुछ लोग DLW के थे और रोहनिया के थे, बनारस के जो थे, बनारस के लोग थे, DLW और रोहनिया के। ये जो रोड है कितनी व्यस्त रहती है, मतलब ये शाम हमेशा हमेशा व्यस्त, इसके लिए तो कोई बातें नहीं हो सकती, हमेशा जाम रहती है, खाली नहीं रहता, हमेशा जाम रहता है, यहाँ व्यस्त रहती है 24 घंटा व्यस्त रहती है। यहाँ व्यस्त रहने का कारण है ये रोडवेज यहाँ से हटा दे, और ये जो कैंट स्टेशन के सामने जो ठेले खुमचे नगर निगम लगवाती है, हाँ तो जब कोई मंत्री आएगा या कोई नेता आएगा ये हट जाता है, तब जाम नहीं लगता है, उसके बाद चले जाने पे फिर वैसे ठेले खुमचे आ जाते हैं और रोडवेज वैसे मनमानी चलता है, कोई नहीं सुनने वाला है। जब कोई कांड होता है तो कोई सुनता है, नहीं तो नेता नहीं सुनता। दो दिन बाद आके देखिएगा, फिर से वही हाल हो जाएगा। 2 दिन नहीं है ना, 2 दिन बाद फिर वही हाल होने वाला, आपकी कूटी नहीं निकल पाएगी, गाड़ी नहीं निकाल, साइकिल नहीं निकाल पाएंगे। मरीज होता है वो मर जाता है। हम लोग शॉर्टकट कॉलोनी से रास्ता निकालते हैं जो रेलवे जाती है, हम लोग बाइक से आते हैं तो शॉर्टकट यहाँ कॉलोनी से रास्ता निकालते हैं, हम लोग इतना बाइक निकलने तक का जगह नहीं बचता है। तो ये आप, ये जो घटना हुई करीब 5:30 के आसपास, उसके बाद से प्रशासन की तरफ से कार्रवाई या आप लोग तो लोगों की मदद कर रहे थे? फिर हम लोग 1 घंटा बाद आए, उसके लिए तो मैं बोल सकता हूँ 1 घंटा बाद NDRF की टीम बुलाई गई, नहीं आ रही थी, हम लोग स्काउट की तरफ सब लोग लड़के थे, हम लोग पब्लिक नहीं रहती तो प्रशासन भी कुछ नहीं कर पाता, ये पब्लिक का मेन भागीदारी है, जो कि पूरा अकेले रोड हटाना पड़ रहा, हम लोग कभी नहीं सोचे मेरे साथ क्या हो सकता है, मेरे चोट लग सकता है, क्या हो सकता है, इतनी भारी भारी रोड हटाया गया था, हम लोग लोहा हटाया गया तब उसको ट्रक हम अंदर किया गया था, कोई पुलिस हम लोग का साथ नहीं दिया, पूरा जनता मदद नहीं की है सर, कुछ भी मदद नहीं की, ऐसा कोई भी सुविधा नहीं दिया गया है, जिससे जो लगे थे पुल के नीचे और उसको हटाए भी नहीं, लोग उसी तरह फेंका हुआ था, इसको हटा देना चाहिए, पब्लिक को आने जाने में दिक्कत काफी हो रही थी उनको, कम से कम नहीं जो काम में नहीं लगाया उसको हटा देना चाहिए था। ऐसा उन लोग पास कुछ था ही नहीं किसी को हटाया जाए, कुछ भी नहीं था उन लोग, मतलब वो नहीं किसी को जैसे कोई चेतना ही नहीं, कुछ नहीं था। क्रेन वाले, प्राइवेट क्रेन वाले भागे भागे आए हैं, सरकार की तरफ से क्रेन नहीं आया, कोई नहीं, ये सब प्राइवेट क्रेन आई हैं, जो आई हैं मदद के लिए वो प्राइवेट क्रेन हैं, सब महेशपुर क्रेन आई हुई हैं, सब एक भी कोई मदद नहीं किया है, सब प्राइवेट क्रेन आके उठाई हैं। लेकिन मुझे एक चीज और बताइए, मतलब मैं यहाँ पर देख रहा हूँ और एक्चुअली मुझे देखने में काफी अनसेफ जगह लग रही है ना, कि है ना, तो यहाँ पर जैसे मतलब ऑफकोर्स ये कोई इमेजिन नहीं करेगा कि गिर जाएगा, लेकिन सुरक्षा को लेकर यहाँ कोई मतलब कोई वार्निंग या कुछ व्यवस्था की गई थी कि भाई यहाँ? और सर ये तो छोड़िए, हमारे दुख दर्द को समझने की बात छोड़िए, ऊपर से प्रशासन की जो पुलिस के लो अधिकारी है, सिपाही है, ऊपर से गालियां तक दे रहे, तुम क्यों नहीं मर गए, हम देखने, हमारे यहाँ पे खड़े थे बाबा, वो बता रहे थे कि वो खड़े होकर देख रहे थे, तो उनको कहा जाता है कि तुम क्यों नहीं मरे, ऊपर से ये कहने का किस बात पे, बस खड़े होकर देख रहे थे कि क्या हुआ कैसे नहीं, वो बस जान रहे थे, जानने की इच्छा से देख रहे थे, तो उसको कहा जाए कि तुम क्यों नहीं मर गए, और उसके बाद ये कहने के बाद भी गालियां तक दे रहे थे माँ बहन की, ये प्रशासन है
और इस पर से महाराज जी कहते हैं योगी महाराज योगी आदित्यनाथ जी की हमारी पुलिस बहुत संवेदनशील है, बहुत मीठे से बात करती है। किनारे किनारे तो इधर 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 इतना लंबा सर निर्माण कर रहे हैं जो है कि जाइएगा मत है ना, इतना लंबा निर्माण कर रहे हैं किनारे किनारे रेलिंग तो देना चाहिए सुरक्षा के लिए, वो भी नहीं जो है कुछ है। अभी आप देख लीजिए अभी इतनी बड़ी हादसा हो जाने के बाद अभी भी देखिए कोई कॉर्डर नहीं किया गया है, कोई कॉर्डर नहीं है, अभी भी कोई कॉर्डर नहीं किया गया, इतना हादसा हुआ है। थोड़ा सा अभी अभी आप यहाँ आगे देख सकते हैं, अभी ये देखिए दो, अभी ये दो ऐसे हैं जो अभी अटके हुए नहीं है, वो अभी भी कोई क्वार्टर नहीं किया गया है कि किसी प्रकार की ऐसे क्वार्टर आउट करके इसको ढंग से किया जा सकेगा। इतनी बड़ी हादसा इतने लोग मरने के बावजूद भी अभी ऐसा नहीं किया गया है कि प्रशासन अभी भी जगा हुआ है, ये प्रशासन अपनी केवल लीपापोती कर रही है कि और मतलब मैं अपने सर के ऊपर देख रहा हूँ, एक्चुअली मुझे अब डर लग रहा है कि कहीं ये देख रही है यहाँ पे ये तो ज्वाइन किया गया हुआ है लेकिन वहाँ भी देखिए ऐसे रखा हुआ गया है। आप दोनों देखिए उधर कोई सपोर्ट नहीं है जिसके कारण अभी भी वहाँ पे कॉटन आउट नहीं किया गया है, पब्लिक आ रही जा रही, कोई प्रशासन नहीं कर रहा है। तो ये तो यूपी ब्रिज कॉर्पोरेशन की रिपोर्ट है। इस समय तो पूरे भारत वर्ष में इसकी चर्चा हो रही है, फिर भी सुरक्षा की दृष्टि से तो अभी ऐसा होना चाहिए यहाँ पर ना, रोड था इसके बगल साइड रोड रेलवे का सर है, अभी दो दिन पहले खमागार बंद किया गया, अगर वो बंद नहीं होता तो दुर्घटना में कब लोग मरते यहाँ पर। कल बहुत कार वाले अंदर गए वहाँ गोदाम में, रास्ता वहाँ बंद कर दिया गया, वो लौट के मर गए कल। तो ये इस तरह की जब रोड खुला होता सर तो दुर्घटना में इतने लोग नहीं मरते। परसों खमागाड़ आ गया, परसों खमागाड़ साइड रोड सर है, साइड रोड सर है, वहाँ से रास्ता अंदर ये स्टेशन की तरफ निकलता है, वहाँ पे लोग गाटर लगा के जो ब्लॉक कर दिए, और कल जो ब्लैक रंग की गाड़ी थी उसमें गया, और फिर उधर से कुछ लड़के बोले कि इधर रास्ता बंद है जो है कि आप घुमा के इधर से जाइए, और वो जैसे ही घुमा कर आया यहीं पे उसके ऊपर गिर गया। ये तो प्रशासन और सेतु जो ये बनवा रहे हैं उनकी ये दायित्व होना चाहिए कि रोड डाइवर्जन कैसे होगा, क्योंकि अगर ये दिन में मैं काम करा रहा हूँ आप ये नहीं जानते कि बनारस में सुबह से शाम तक ये कैंट स्टेशन एक ऐसा जगह है कि सबसे ज्यादा पब्लिक जो है कैंट स्टेशन उतार रही है रोडवेज और रेलवे की तरफ से, यहाँ पर आने जाने वालों की जो ईस्टर्न यूपी वेस्ट बिहार वाले लोग हैं यहाँ से गाड़ी के रास्ते पर आते हैं, रोडवेज यहाँ पर है, रोडवेज की गाड़ियाँ यहाँ पर आती है, और सुबह सुबह 9 बजे से लेके 12 बजे तक और शाम के 4 बजे से लेके 7 बजे तक सबसे ज्यादा हॉट पॉच है कि 5 की स्पीड से ज्यादा आप कार यहाँ से नहीं चला सकते, रेंगती हैं गाड़ियाँ, रोड चालू था, रोड और इतना जो काम होता रहता है उसकी उसको मतलब उससे सुरक्षा के लिए कोई भाई आप यहाँ से ना जाइए वहाँ से ना जाइए काम करा रहे, कम से कम इतनी दूर तक के लिए तो आपको सुरक्षा करना चाहिए। 10 बजे तक के बीच में सुबह 7 से 10 के बीच में यहाँ पे लेबरों की संख्या इतनी हो जाती है कोई कहने की बात ही नहीं, कोई नहीं कहता कि भाई देखो काम चल रहा है इससे थोड़ा दूर रहिए आप, है ना, कोई कहे तो आपको सुरक्षा पैमाना पे कुछ नहीं यहाँ पे दिया गया, वो टोपी भी नहीं है ना जैकेट कुछ नहीं है, खाली नाम भरोसे काम हो रहा है, वो जो वर्कर्स होते हैं उनको कोई सुरक्षा के लिए सेफ्टी नहीं है, कुछ सेफ्टी नहीं, हम लोग तो रोज इधर से जाते ना तो कोई वेट वगैरह है ना कोई भी, कंजेस्टेड इलाका है ये, अपने हेलमेट विदाउट सेफ्टी बेल्ट में काम करते रहते हैं, नीचे से कोई आता जाता रहता है, एक्सीडेंट हो गया और एक दो क्रेन उसको उठा नहीं पा रही थी, जब आप ये लगा रहे थे तो कम से कम ये हादसा ऐसा हो सकता है उसका सुरक्षा के लिए उन्होंने कोई ऐसा रेस्क्यू के लिए अपनी बैकअप नहीं रखा था कि ऐसा अगर कोई हो जाता है तो हम तुरंत रेस्क्यू करा सके, उसमें पब्लिक जो है 1.5 घंटा 2 घंटा अंदर दबी दबी जो बच सकते थे वो भी नहीं बच पाए, छोटे बच्चे भी मरे गए क्योंकि सहायता मिलते मिलते 1.5 घंटा हो गए। आप कैसे आप कितनी देर में आए थे जब घटना हुई? मैं यहाँ पे 1/2 घंटे पहले आया था लेकिन वो इतना ज्यादा भारी था कि पब्लिक चाह के भी कुछ नहीं कर पा रही थी, जो पब्लिक को जितना हो रहा था वो खिंचखाच कर रहा था। हमें बताया गया ये शायद राज बब्बर आए हुए समाजवादी सॉरी माफ कीजिए कांग्रेस नेता राज बब्बर आए हुए हैं, ये जो जितने लोग मतलब कि कम से कम लोग मरे, पब्लिक नहीं रहती तो प्रशासन समझ लीजिए। मुझे एक चीज बताइए, कल नरेंद्र मोदी कल मैं दिल्ली में था बीजेपी दफ्तर में थे, उन्होंने काफी दुख जताया है जो ये घटना हुई है, लोगों को एक राशि भी दी गई है और एक राज बाबा जी दिस इज विनीत खरे बीबीसी लाइव पर है बीबीसी फेसबुक पर, क्या कहेंगे जो घटना हुई है? ये सरासर लापरवाही है, ये संवेदनहीनता है, ये वो लोग
एक सेकंड, ये लाइव है बीबीसी पे, एक सेकंड लाइव है। हाँ हाँ एक सेकंड, आराम आराम से, आराम से। राज बाबा जी ठीक है ठीक है ठीक है, आराम से आराम वहाँ चलते थोड़ा सा आगे। एक सेकंड तारे यार, तारे तारे भाई, तारे तारे, एक सेकंड। जैसा कि देख रहे हैं भगदड़ सी मच गई है, राज बब्बर यहाँ पे कांग्रेस नेता पहुंचे हैं और डॉक्टर संजय सिंह भी, संजय सिंह भी। एक सेकंड, बीबीसी हिंदी फेसबुक लाइव पर हम सीधे वाराणसी से आपसे मुखातिब हैं, जहां पर फ्लाईओवर की जो बीम गिरी है उससे बताया जा रहा है 16 से 18 लोग मरे हैं, हालांकि जो स्थानीय लोग हैं वो मरने वालों की संख्या ज्यादा बता रहे हैं। भाई क्या मतलब है? एक सेकंड, आराम से आराम से आराम से भाई, आराम से। अरे इतना भी, अरे भाई आराम से आराम से। ओके, किनारे किनारे किनारे। राज बब्बर जी, राज बब्बर जी, राज बब्बर जी, राज बब्बर जी बीबीसी से थोड़ा दूर, थोड़ा दूर रहिए। आराम से आराम से आराम से। मीडिया से बात कर रहे हैं कांग्रेस नेता राज बब्बर। राज बब्बर जी, ये जो घटना हुई है क्या कहना चाहेंगे इस पे आप? संवेदनहीनता की प्रकाष्ठा है। जिस तरह से यहाँ पर इतनी बड़ी घटना हुई है, जो सरासर लापरवाही है, और चार अधिकारियों को, तीन अधिकारियों को सस्पेंड करके जिम्मेदार लोग अपना पल्ला झाड़ना चाहते हैं। दुर्भाग्य है, अगर देश में अगर कहीं भी अगर ऐसी कोई घटना हुई होती तो वहां का सांसद अपने क्षेत्र में होता, लेकिन यहां का सांसद जिसने ये शोर मचाया था कि गंगा माई ने बुलाया है, मां ने उसको बुलाया था इसलिए नहीं कि यहां पर लोगों की हत्या होती रहे, लोग मरते रहे, और सांसद यहां के कर्नाटक की जीत का जश्न मनाए और वहां पर जो है विधायकों की खरीद फरोख्त में करोड़ों रुपया लगाए और यहां के मरने वाले की कीमत 5 लाख रुपया लगाए, इससे बड़ी शर्मनाक घटना और क्या हो सकती है? और ये तमाम चीजें राजनीतिक दबाव की वजह से जल्दबाजी की जा रही है, एडवोकेट सिक्योरिटी नहीं है, पूरे सिक्योरिटी के सुरक्षा के प्रबंध नहीं है, इसीलिए यहाँ के लोग चाह रहे हैं कि किसी भी तरीके से चुनाव से पहले पहले यहाँ पर इसका उद्घाटन हो जाए, और उद्घाटन के चक्कर में मंत्री महोदय और यहाँ के मुख्यमंत्रियों ने, यहाँ के मंत्रियों ने, जो यहाँ के सेतु के मंत्री हैं, उन्होंने ये बीड़ा उठाया है और अधिकारियों को यहाँ पर जो है दबाव देने की कोशिश की है, जो पूरे बंदोबस्त के बिना यहाँ पर जो काम कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी इस पूरी घटना का, शर्मनाक घटना का, इस दुर्घटना का की निंदा करती है और साथ ही साथ ये चेतावनी भी देती है कि सारे देश में, प्रदेश के अंदर खासकर, हम इसका बीड़ा उठा रहे हैं कि जहाँ जहाँ इस तरह के सेतु बन रहे हैं, जहाँ जहाँ पर इस तरह की कंस्ट्रक्शन हो रही हैं, अगर एडवोकेट सिक्योरिटी की कमेटी उसका इंतजाम करके उसके ऊपर एनओसी नहीं देगी, अगर उसके बंदोबस्त नहीं करेगी जनमानस की सुरक्षा का, तो हम कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता और नेता सभी उस कार्य को रोकने का काम करेंगे।
इस काम को रोकेंगे ताकि लोगों की जान बच सके। अभी यहाँ के लोग चिल्ला रहे हैं कि उन्होंने अपनी आंखों से बच्चे को दम तोड़ते हुए यहाँ देखा है, ये इससे बड़ी दुर्घटना और क्या, ये सारी जिंदगी रो दिए सर, क्या बताएं, ये सारी जिंदगी इस घटना को नहीं भूल सकते। और 5 लाख रुपया मात्र कीमत लगा रहे हैं, हम अस्पतालों से होके आ रहे हैं, वहां पर घायल हैं जो शायद महीनों से क्या उठना मुश्किल हो जाएगा, किसी की कमर में चोट है, किसी की रीढ़ की हड्डी में चोट है, किसी के मल्टीपल फ्रैक्चर्स हैं और 2 लाख रुपया घायल को दे रहे हैं। हमारी ये मांग है कि कम से कम 50 लाख रुपया मरने वाले के परिवार को, ताकि वो दोबारा खड़ा हो सके उसका परिवार, और 20 लाख मिनिमम 10 लाख रुपया चोटों को देख के 10 और 20 लाख में घायलों को दिया जाए कि जिसकी ज्यादा चोटें हैं। अभी मैं एक बिल क्या, एक NDRF का एक सिपाही है जिस बेचारे की इतनी बुरी तरह चोट लगी है कि शायद वो अपनी नौकरी पे जाना भी उसके लिए मुश्किल हो जाएगा। पीएससी के लड़के का बेटा, पीएससी वाले का बेटा जो है वहां पर घायल है, सुमित उस बच्चे का नाम था, और वो अगर ये लोग जो है अगर इनको जो है आप 2-2 लाख रुपया देकर और छुट्टी देना चाहते हैं, तो मैं कहूंगा कि यहाँ के सांसद को बस यही कहूंगा कि माँ गंगा उसको अब वापस बुला के यहाँ से भेज दे, क्योंकि यहाँ के लोग अब ऐसा सांसद नहीं चाहते। घटना स्थल पर सांसद नहीं आए, यहाँ के सांसद नहीं आए, क्या कहेंगे? मैंने कह दिया इस बात को। मतलब ये क्या पूरा पुल अब जांच के घेरे में आ गया है क्या? ये पूरा का पूरा पुल जो बना हुआ है, ये क्या पूरा जांच? देखिए, इसके बारे में बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं भ्रष्टाचार को लेकर, मैं उस पर अभी आज बात नहीं करूंगा, मैं जिम्मेदारी की बात करूंगा। और ये बहुत गैर जिम्मेदाराना ये एक्ट है। तो ये थे कांग्रेस नेता राज बब्बर। एक सेकंड, हमें निकलने की अनुमति चाहिए, एक सेकंड, अगर हम निकल पाए यहाँ से माफ कीजिएगा। तो ये थे कांग्रेस नेता राज बब्बर, कह रहे थे कि जिन लोगों की मौत हुई है उन्हें 50 लाख का मुआवजा दिया जाए, और यहाँ के जो प्रशासन है या फिर अधिकारी हैं उन्हें वो जिम्मेदार ठहरा रहे। बहरहाल ये अभी स्थिति है, बचाव कार्य चल रहा है, और लेकिन जैसा कि आप देख रहे होंगे अभी भी इस जगह को घेरा नहीं गया है, लोग खड़े हुए हैं यहाँ पर। खुदा न खासा कुछ कोई और भी दुर्घटना हो सकती है, हम कोशिश करेंगे। आप कोई है इनमें से जो था, आप थे जब ये घटना हुई है? नहीं थे और लोग रहे होंगे, हम तो अभी देवरिया से आ रहे हैं। अच्छा, देवरिया से आ रहे हैं। कोई है जहाँ पर जिसने देखा हो, कोई बात करना चाहेगा? आप लोग कहाँ से आए हैं? बाहर से आए हैं? बाहर से आए हैं। तो कोशिश करते हैं कि किसी पुलिस अधिकारी से हम बात करने की, कि ये जो डेथ टोल को लेकर अलग अलग तरह की रिपोर्टें आ रही हैं उनसे बात करें। सर विनीत खरे BBC से फेसबुक लाइव पर हैं आप, पुलिस प्रशासन किस तरह की कार्रवाई कर रहा है एटलीस्ट इस जगह को घेरने के लिए, क्योंकि यहाँ पर लोग इकट्ठा हैं? देखिए, जो भी पुलिस प्रशासन की कार्रवाई थी, रेस्क्यू ऑपरेशन था, वो हम लोगों के द्वारा किया गया जी। फर्स्ट एड की जो व्यवस्था थी हम लोगों के पास, जो घायल थे उनको दी गई। आम पब्लिक, लोकल क्राउड जो यहाँ की है, वो कुछ लोग जो यहाँ की लोकल बस्ती में रहते हैं उनका प्रॉपर घरों से निकलना है, उनका निकलना या उठना बैठना तो हम लोग रोक नहीं सकते हैं। जी, जी, जी। तो बगल में ही हमारा कैंट स्टेशन है, यात्रियों का आना जाना है बराबर, तो पुलिस की जो व्यवस्था है पुलिस उसको अपने तरीके से कर रही है। प्रशासन इसमें पुलिस की मदद कर रहा है, सहयोग कर रहा है, जिस वजह से जो है जल्द से जल्द स्थिति बहाल हो जाए। अंकुर दिवाजी, बस एक चीज और, मरने वालों की आधिकारिक जो संख्या है वो कितनी और कितने घायल हुए हैं, क्योंकि लोग बता रहे हैं कि संख्या बहुत ज्यादा है, ये थोड़ा बता पाएंगे आप? नहीं, देखिए, इस बारे में हमारे उच्च अधिकारी गणों को जो रिपोर्ट है वो हमको नहीं है फिलहाल, चूंकि मौके पर जो लोग थे वो राहत बचाव कार्यों में थे, कुछ लोग जिनकी जिम्मेदारी थी जो मृतक थे या घायल थे उनको समय पे अस्पताल पहुंचाना। जी, तो कितने घायल हुए हैं ये तो, इसकी तो जानकारी होगी आपको? लगभग 6 या 7 लोग घायल, 6 या 7 लोग घायल हैं, और 16 या 18 की मौत या 12 की भी फिगर आ रही है, इसमें थोड़ी क्लैरिटी नहीं है, इस बारे में मैं स्पष्ट नहीं बता पाऊंगा। ठीक है, तो आप कह रहे हैं कि इस जगह को सिक्योर करने के लिए आप अभी कदम उठाएंगे कि एटलीस्ट लोग यहाँ पर ना आए, क्योंकि देखिए हम देख रहा हूँ मीडिया के लोग वहाँ खड़े हुए हैं, है ना, अभी भी लोग आ जा रहे हैं, और ये जो बीम है ना ये अभी भी बहुत सेफ नहीं लग रही है अंकुर तिवारी जी, है ना?
नहीं देखिए, इस पे चूंकि निर्माणाधीन है, हाँ। जब निर्माणाधीन है तो इसको आप सिक्योर या सेफ कैसे? लेकिन निर्माणाधीन जो चीजें हैं उसे तो आप कम से कम लोगों क्राउड को तो अलग रखेंगे ना, ये घटना भी तो निर्माणाधीन। जी जी बिल्कुल, क्राउड को अलग करने के लिए कहाँ है कर्मचारी? फर्स्ट प्रायोरिटी है हमारे सारे कर्मचारी यही है। हमने बताया ना आपसे थोड़ी देर पहले कि जो लोकल क्राउड है यहाँ के, चूंकि इधर भी बराबर प्रॉपर हाईवे है आना जाना है लोगों का, उधर भी हाईवे है आना जाना लोगों का, हाँ। तो इसकी जो व्यवस्था है उसको हमारे अधिकारी गण जो है बहाल कर रहे हैं, देखा जा रहा है इसका हो जितनी जल्दी से जल्दी हो सकेगा यहाँ पर राहत तो बचाव कार्य संपन्न हो जाएगा। अंकुर कुमार तिवारी जी बहुत शुक्रिया। अंकुर कुमार तिवारी ये थे। सर अंकुर कुमार तिवारी जी क्या रैंक है आपकी, क्या एग्जैक्टली बता पाएंगे आप? मैं सब इंस्पेक्टर हूँ। सब इंस्पेक्टर है किस थाने में? यही सिकरा थाने में। सिकरा थाने में सब इंस्पेक्टर अंकुर कुमार तिवारी हमसे बात कर रहे थे, कह रहे थे सुरक्षा इस जगह को सिक्योर करने के लिए इस कीमत पे सुरक्षा कर रहे हैं कि गाली देकर हटवाएंगे लोगों को। अब वो निकल गए हैं, मैं उनसे घटना के बाद ऐसा क्यों हो रहा है? घटना के पहले ऐसा जो एक्सप्रेसवे की जांच की मांग कर रहे हैं, जो एक्सप्रेसवे की जांच कर रहे हैं उन्हें थोड़ा 1 किलोमीटर फूल का भी जांच करवा लेना चाहिए। एक्सप्रेसवे की जांच करने वाले कम से कम सोचे कि 1 किलोमीटर का फूल नहीं समर रहा है उनसे, तो एक्सप्रेसवे की क्यों जांच मांग रहे हैं? ठीक है, आप लोग अगल बगल इलाके में रहते हैं, आप लोग कब आए थे इस घटना के बाद? इस घटना के मात्र 10 मिनट बाद हम लोग आए। क्या देखा आपने? आप काफी लोग मरे, सैकड़ों लोग इसमें दबे थे, जो 18-20 लोग बताया जा रहा है ऐसा कहीं कुछ नहीं है, इसमें सैकड़ों लोग दबे हैं, सैकड़ों लोग की मौत हुई है। सैकड़ों मतलब कितने होते हैं? 20-30-40-90 तक बता, 90 तक अंदाज लगा लीजिए। 90-100 उसमें से कुछ लोग, जिसमें से 15-16 लोग जो बता रहे हैं वो सरासर अभी क्लियर नहीं है, हो सकता है वो संख्या भी बढ़ सकती है। लेकिन ये ऐसा पहली बार बनारस में इतना बुरा घटना या हादसा पहली बार ऐसा हुआ है। मुझे एक चीज बताएं, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कॉन्स्टिट्यूएंसी है, कल जब उन्हें पता चला तो उन्होंने दुख जताया है, और दुख हमेशा हर बार घटना होता है, ये नहीं कि ये पहली घटना है, इसके पहले भी कई बार घटना हुई, लेकिन यहाँ पे दुख जताने से नहीं होता है, यहाँ पे लोग की जाने जा रही है उसका क्या निर्भय, इसकी कौन जिम्मेदारी? दुख जताने से किसी के घर पे खुशी नहीं मिलेगी, जो गया है वो वापस नहीं आएगा ना। कर दिया गया, हम कहते हैं आज से पहले अभी रोहनिया में, अभी रोहनिया से लेके चांदपुर में, अभी आज आप सिटी बस को लगा दिए, ये पहले क्यों नहीं हुआ? अभी दिल्ली में, मुंबई में हर जगह मेट्रो का निर्माण होता है, रोड बनने के बाद नजर आता है कि वहां पे बन चुका है, यहाँ कोई भी ऐसा सर नहीं है, जहां भी गड्ढा खोदा रहता है, आदमी आते जाते, बाइक गिरता है, कार गिरता है, कोई फर्क नहीं पड़ता। जब घटना होता है तो सभी लोग मौजूद होते हैं उसको देखने, इससे पहले किसी को कोई नहीं पता कि बनारस में क्या हो रहा है। अगर इस अभी घटना नहीं होती तो इस बनारस के किसी भी नेता या मंत्री को किसी को भी नहीं पता होता। और आप यही नहीं, BHU यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल में बीच में मरीज मर रहा है, दिन रात एम्बुलेंस आवाज दे रहा है, ना उसको कोई हटाने वाला है, ना उसको कोई ले जाने वाला है, मरीज उसी में हॉस्पिटल पहुंचने से पहले मर जाता है। हर मरीज यहाँ गाजीपुर से आते हैं, बलिया से आते हैं, मऊ से आते हैं, हर राज्य से, हर जिले से लोग यहाँ आते हैं ये सोच कर कि यूनिवर्सिटी में मेरी जान बचेगी, लेकिन उस इंसान को ये नहीं पता कि यहाँ के जाम में उसकी जान मरेगी, ये नहीं जानता कोई। सर अगर ये रोडवेज सारा सारा कर दिया जाता है, मैं कहता हूँ ये बना है, इसमें बनने के बाद इसे गिरना, ये गिरना क्या एक स्वाभाविक चीज नहीं है? इसको लप हो जाना चाहिए था, झुक जाना चाहिए था, लेकिन ये लापरवाही है कि ये गिरा, ये गिरना नहीं चाहिए था। कोई मकान या बिल्डिंग निर्माण कार्य होता है तो वो ध्वस्त होकर गिर नहीं जाता, भूकंप तो आया नहीं कि गिर गया, अचानक ये गिरना पूरी लापरवाही है, चाहे वो किसी की भी हो, चाहे कार्यकर्ता के। क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम सुरजीत यादव है, आप आजमगढ़ से रहने वाला हूँ। तो घटना हुई है उसके आसपास आप आए हैं, कब आए? घटना होने के 10-15 मिनट बाद मैं लोग पहुंचे यहाँ पे। क्या देखा आपने? सर मैंने देखा था कि इसमें एक बस दबी हुई है, एक कार दबी हुई है। बस दबी हुई थी, कार दबी हुई थी, बस दबी है, कार दबी, फोर व्हीलर दबी हुई है, ऑटो दबे हुए हैं, पैदल चलने वाले यात्री दबे हुए हैं, यानी सबके साथ जो लोग मरे हैं इसमें, कम से कम आंकड़ा हम लोग लगाते हैं कम से कम 100 लोगों से पार गए हैं इसमें मरने वाले। 100 लोगों की मरने की बात बता रहे हैं, मरने की बात हुई है, क्योंकि इसमें से जब जो घायल आदमी थे उनको उठाया गया, बस घायल बना करके घायल है, लेकिन वो मरे हुए आदमी है। गाड़ी में जो थे बस वही लोग को बताया गया कि इतने लोग हैं, साइकिल वाले, बाइक वाले, ये सब कहाँ गए सर? मजदूर 15-16 बाइक दबी हुई है, 15-16 बाइक दबी हुई है, लॉक कर दिया गया होता पहले तो इतनी बड़ी दुर्घटना नहीं होती। जो बस इतना इतनी जाम लगी रहती है, अगर रोक कर उधर ही कहीं रख दिया गया होता तो इतनी बड़ी जनसंख्या में लोग नहीं रहते। इसमें कितने लेबर मजदूर भी मारे गए हैं, लेबर, हाँ ये लोग बता रहे हैं, मजदूर भी इसमें मरे हैं, बाइक वाले भी कितने मारे गए? 5 बजे के आसपास। क्या नाम है आपका? मुस्तकीन नाम है सर हमारा, मुस्तकीन। क्या देखा आपने? अगर देखा हमने सर यहाँ पर वही चीज देखा है कि मतलब वो गिरने के बाद, वो गिरने के बाद सर यही हुआ कि दो बोलेरो हम देखे थे आँख से, एक बस देखे था
और उसके बाद एक ऑटो थी, ठीक है, इतना तो हमने सामने से देखा था, बाकी जो अंदर दबी थी उससे मतलब नहीं है, इतना तो हमने देखा था खुद। अच्छा, ये लोग भी बता रहे हैं कि कई लोग जो है फोटो खींच रहे थे, सेल्फी बना रहे थे, लेकिन मदद करने के लिए बहुत कम लोग आ रहे थे, ऐसा है। बनारस के सारे लोग लगे थे, बनारस के सारे जानकार ही नहीं है, मदद के लिए सभी लोग लगे थे। लिए वो इंसान आता है जो अपने खुद चल नहीं पाता लेकिन दूसरों को उठाने पहले आता है, ये सरासर गलत है, ये सरासर गलत है। प्रशासन आधा घंटे बाद पूछी है, यहाँ एक एक करके एक एक करके प्रशासन और सरकार की मदद बाद में मिलती है, जनता की पहले मदद। प्रशासन ये बनारस का रूल है, यहाँ अगर कोई घटना होती है तो प्रशासन और सरकार बाद में देखने आता है, वहाँ पे मौजूद जनता पहले देखती है। जनता अगर हम लोग पहले नहीं पहुंचे होते तो मरने वालों की संख्या कहीं जाती। एक चीज बताइए, ये प्रधानमंत्री, जैसा कि मैंने फिर से बोला, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कॉन्स्टिट्यूएंसी है, क्या उम्मीदें हैं उनसे और प्रशासन से? कोई उम्मीद नहीं है, कोई उम्मीद नहीं है, बनारस वालों को कोई उम्मीद नहीं है, उम्मीद पर उम्मीद नहीं है, उनके उम्मीद पर बनारस खरा उतरा है, भाजपा से हमें कोई उम्मीद नहीं है, उनके बनारस के लिए बनारस खरा उतरा है, लेकिन वो बनारस की उम्मीद पर अब तक खड़े हैं। मैं आपको बता दूं, उनके उम्मीद पर बनारस पूरी तरह खरा उतरा है, लेकिन वो बनारस के किसी उम्मीद पर अब तक खड़े नहीं उतरे। और मैं ऐलान करना चाहता हूँ, अगर मोदी जी को चुनाव लड़ना चाहते हैं तो एक बार फिर से बनारस में और चुनाव लड़कर देख लें अपने। मैं आपको एक अहम बात बताता हूँ, अभी कुछ दिन पहले जब मोदी जी आए थे यहाँ पे तो ये सारे रास्ते पूरे पैक हो गए थे, बिल्कुल पूरी सेफ्टी के साथ पैक हो गए थे, एकदम पूरी तरह से, ना एक सरिया दिख रहा था ना एक छड़ दिख रहा था। उनके जाने के बाद वो जैसे ही बनारस से वापस गए उसके बाद ये फिर से वही काम शुरू हुआ जो आज हो रहा है। ये काम उनके आते समय जैसे होता है, जैसे योगी जाते मोदी जाते उस टाइम जिस तरह से होता है, अगर उस टाइम अभी भी ये होता तो ऐसा हादसा नहीं होता। जब गलतियां जो रहती है उसको छुपाया क्यों जाता है? जब प्रधानमंत्री आते हैं सीएम आते हैं तो गलती क्यों छुपाई जाती है? जब चले जाते हैं फिर छुपेंगे? इसमें प्रशासन की टोटल गलती है, इसमें प्रशासन करते रहते हैं, पटरा हुआ गिट्टी हुआ, ये तो मतलब जब तक काम चलता रहता है घटना होती रहती है, छिटपुट कोई सुनवाई नहीं, तो किसी के पैर में लग जाता है किसी के, सब कोई मानक इन लोगों का नहीं है, पूरे जितने लोग मरे हैं नहीं कर रहे, कितने लोग मरे के साथ उसका अनुपालन नहीं कर, गलत रिपोर्ट ना दिया जाए कि 10 लोग मरे 15 लोग मरे, पूरे रिपोर्ट दिया जाए कि वर्कर कितने लोग मरे, बेल्ट का उपयोग करते हैं ना सेफ्टी हेलमेट का उपयोग। सारे जितने भी सियासत के नेताओं हैं, जितने भी लड़ने वाले हैं, जो भी चुनाव करते हैं, हमारा उनसे कहना ही है उनमें से कोई भी नेता मरेगा 5 लाख रुपए मैं उसके दूंगा उसके परिवार को। ऐसे किसी किसी के बारे में इस तरह से बात नहीं करनी चाहिए, है ना, किसी के बारे में किसी के नहीं, किसी किसी की आए और गाड़ी से उतरे तक नहीं, योगी जी आए लेकिन गाड़ी से उतरे नहीं थे, शीशे में से देखते हुए निकल गए। योगी जी आए गाड़ी से नहीं उतरे? हाँ नहीं उतरे, नहीं उतरे, नहीं उतरे, क्लैरिटी नहीं, उन्होंने ज्यादा समय नहीं दिया, ज्यादा समय नहीं दिया उन्होंने, बस वो नीचे उनके उनके बॉडी गार्ड ने उतरा। चलो ठीक है, चलो चलो ठीक है, यानी ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ऐसे नहीं किसी के बारे में। तो ये देख रहे हैं, जैसा कि आपने सुना नेता यहाँ पर आ रहे हैं, सुरक्षा को लेकर एटलीस्ट जो मुझे दिख रहा है, जो कॉर्डन ऑफ कर दिया जाना चाहिए था वो नहीं है, ट्रैफिक अभी भी जारी है, लोग नाराज हैं, लोग काफ़ी नाराज हैं, और जिस तरह की सेफ्टी की उम्मीद है प्रशासन से, नेताओं से, लीडर से, वो यहाँ पर एटलीस्ट लोग हैं और जो मुझे भी दिख रहा है नहीं दिख रही है। मुझे विनीत खरे को वाराणसी से दीजिए इजाज़त, अगर कोई और अपडेट होगा या फिर हम कुछ और लोगों की आवाज़ें आप तक ला पाएंगे तो हम आपसे आपके पास वापस आएंगे।